प्यार भरा नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको एक तंत्र शास्त्र का बहुत ही पावरफुल उपाय बता रहा हूं। दोस्तों तंत्र शास्त्र के जो उपाय होते हैं ये कभी विफल नहीं होते हैं, बस थोड़ा सा अगर विश्वास के साथ में इन प्रयोगों को किया जाए तो ये बहुत जल्दी अपना रिजल्ट दिखाते हैं, असर दिखाते हैं। दोस्तों आज का जो मैं उपाय आपको दे रहा हूं इसे आप धन प्राप्ति के लिए भी कर सकते हैं, मतलब कि जो भी चीज आपकी जिंदगी में नेगेटिव है उसको हटाने के लिए इस प्रयोग को कर सकते हैं। जैसे कि दरिद्रता है, गरीबी है, कर्जा है, बीमारी है, शत्रु है, बेरोजगारी है, या कोई भी ऐसा काम है जो आप चाहते हैं कि पूरा हो जाए, या फिर जो ऐसा परेशानी है आपकी लाइफ से हमेशा के लिए चली जाए, है ना। तो इस प्रकार की कोई भी ऐसी समस्या है आपके पास में तो आप इस प्रयोग को सिर्फ एक बार करेंगे और उसके बाद में हाथों हाथ आपको रिजल्ट मिलेगा। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जो न्यू विजिटर्स अभी मेरे चैनल पर आ रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में रुचि रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे मेरे द्वारा दी जाने वाली हर एक जानकारी आपको आसानी से तेजी से प्राप्त हो जाएगी, कोई भी जानकारी आपसे मिस नहीं होगी। और जानकारी यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों करना क्या है आपको, वैसे तो इस प्रयोग को आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर शनिवार से शुरू करते हैं, अमावस्या से शुरू करते हैं, 14 से शुरू करते हैं, 7 दिन करना है, 5 मिनट का प्रयोग है, है ना, तो और भी अच्छा, मतलब इसका जो इफेक्ट होते हैं और अच्छा रिजल्ट आता है। लेकिन अर्जेंट नीड है, आप कभी भी इस प्रयोग को कर सकते हैं, छोटा सा प्रयोग है, ठीक है। आपको एक सफेद कलर का कागज लेना है, बिना लाइनिंग वाला, और यदि आप कोयले का यूज करते हैं इसमें तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। और यदि कोयला नहीं मिल पा रहा है किसी कारणवश, यदि कोयले का इंतजाम आप नहीं कर पा रहे हैं तो ब्लैक मार्कर या फिर ब्लैक कलर का कोई भी चीज ले सकते हैं, इंक ले सकते हैं या फिर काजल ले सकते हैं, है ना। दोस्तों ये प्रयोग इतना पावरफुल है कि जिस भी चीज को लिख करके और इसमें आप जब 7 जूते मारेंगे तो वो परेशानी हमेशा के लिए, जो कुछ भी है, अगर नजर है किसी की, कुछ लोगों की नजर इतनी खराब होती है कि अगर नजर भर के देख लें तो जिंदगी अस्त व्यस्त कर देते हैं, या हाय है, बद्दुआ है, तंत्र मंत्र टोना टोटका कुछ भी है, सारी चीजें आपकी जिंदगी से वो चली जाएंगी। तो सूरज ढलने के बाद में रात्रि में इस प्रयोग को आप करें, ठीक है। आपको एक कागज में सबसे पहले अपनी एक परेशानी लिख देनी है, जो भी परेशानी है आपकी, ठीक है। अगर आपको कर्ज से मुक्ति चाहिए तो कर्जा लिख दीजिए उसमें, ठीक है। अब आपको बहुत सारा पैसा चाहिए है तो गरीबी लिख दीजिए उसमें, बीमारी है, असाध्य रोग लिख दीजिए, शत्रुओं से परेशान है, शत्रु लिख दीजिए, बेरोजगारी है, रोजगार नहीं है, बेरोजगारी उसमें लिख दीजिए, है ना। अब आपको जो भी चीज है अपनी समस्या उस चीज में लिख देनी है, A to Z, आपको मतलब नेगेटिव ही लिखना है उसमें, ठीक है। अगर जिस चीज से भी आपको, अगर पैसा चाहिए जिंदगी में तो गरीबी लिख दीजिए उसमें, कर्ज से मुक्ति चाहिए तो कर्जा लिख दीजिए उसमें, ठीक है। अब इसको लेकर के आपको क्या करना है, आपका जो मेन गेट होगा घर से बाहर, ठीक है, वहां पर ले आकर के और इसको सीधा रखते हैं कागज को। अब आपका कोई पुराना जूता है जो काफी समय से आपको यूज किए हो, फटा पुराना हो, वो जूता उठा लें आप और उस कागज में आप 7 बार ये सोच करके कि ये सबसे बड़ी मेरी बड़ी जो परेशानी है मेरी जिंदगी की, ठीक है, आप मैं इसको मार करके, इसकी बेइज्जती करके इसको अपने जिंदगी से हमेशा के लिए रफा दफा कर रहा हूं, अब ये दोबारा मेरी इतनी बेइज्जती कर रहा हूं कि दोबारा ये परेशानी मेरी जिंदगी में कभी लौट करके नहीं आएगी। दोस्तों जब इस तरीके से तंत्र का प्रयोग आप करेंगे जिस भी चीज के लिए, वो परेशानी कभी आपके जिंदगी में एंटर नहीं कर सकती। तो 7 बार आपको उसको जूते मारने हैं उसमें, ठीक है। उसके बाद में रात भर घर से बाहर ही आपको उसके जो कागज आपने लिखा हुआ था घर से बाहर कहीं किनारे में, उसके ऊपर वो कागज के ऊपर वो जूता आप रख दे और रात भर रखे रहने दे। अब सुबह आपको क्या करना है, स्नान वगैरह कर लें, नहा धो लेंगे जब, तो उसको उठा करके कागज को अब जला दें, फाड़ करके कपूर की सहायता से जला करके, और घर से दूर कहीं, बहुत दूर कहीं पे उस कागज को जलाकर उसकी राख फेंकाएं। घर के ज्यादा पास ना फेंकें, घर से दूर फेंक करके आए। दोस्तों आप देखेंगे कि जिस भी परेशानी के लिए, अपने गरीबी के लिए, धन प्राप्ति के लिए, कि पैसा है जिंदगी में तो गरीबी लिख देंगे तो गरीबी कभी लौट करके नहीं आएगी, ठीक है। कर्जा है जिसकी जिंदगी में तो दोस्तों 7 दिन लेकिन इस प्रयोग को कंटिन्यू करेंगे, महिलाएं पुरुष सभी कर सकते हैं, अशुद्धि की हालत में नहीं करना है, इस चीज का ध्यान दें, ठीक है। और 7 दिन आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है। उसके बाद में 7 दिन कर लेते हैं, जब आपको लगे
कि हाँ इसका अच्छा रिजल्ट आ गया है, लेकिन थोड़ा बहुत अभी कुछ बाकी है, तो दोबारा से एक परेशानी को फिर से दोहरा सकते हैं। नहीं तो एक परेशानी अगर मुक्ति मिल जाती है तो दूसरी परेशानी के लिए आप इस प्रयोग को दोबारा से कर सकते हैं। एक एक करके सभी प्रकार की, तमाम प्रकार की परेशानियों के लिए इस प्रयोग को आप कर सकते हैं, है ना। आप देखेंगे कि कितना अच्छा रिजल्ट आ रहा है। बस थोड़ा पॉजिटिव होकर के करिएगा, ठीक है। डाउट मत रखिएगा बीच में कि होगा कि नहीं होगा, या चलो करके देखते हैं कि आ गया तो हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं। ये नहीं, मैं इस प्रयोग को कर रहा हूं विश्वास के साथ में करेंगे, ठीक है, कि मेरी ये परेशानी मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाएगी, जाएगी ही 100% जाएगी, ये तो मैं गारंटी ले रहा हूं आपकी, अगर इस तरीके से आप इस प्रयोग को करेंगे तो, है ना। तो ये प्रयोग करके देखिए दोस्तों, अच्छा रिजल्ट आएगा। तो आज लेते हैं दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।